जय हिंद साथी, ये है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ये सोशल फार्मेसी का एक टॉपिक है। इसके पहले हम फैमिली प्लानिंग ख़त्म किए थे और आज हम देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी का ये टॉपिक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इसे हम एकदम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। ठीक है, देखिए लिखा क्या, सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो लिखा क्या, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डिफाइन मैटरनल हेल्थ एज द हेल्थ ऑफ वोमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टर्नल पीरियड। मतलब क्या होता है, जब कोई मदर है, ठीक, मैटरनल हेल्थ मतलब कोई वोमेन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय या चाइल्ड बर्थ करने के समय या पोस्ट यानी पोस्ट नेटल पीरियड के समय, तो ये सब जितना भी टाइम होता तो उनका जो केयर करना यानी उनके हेल्थ के बारे में कोई भी जानकारी रखना क्या कहलाता है, मदर एंड हेल्थ यानी चाइल्ड हेल्थ के बारे में आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। ठीक, चाइल्ड हेल्थ के बारे में देखते हैं। चाइल्ड आल्सो टर्म एज द पीडियाट्रिक, मतलब कोई जो डॉक्टर देखता है केवल और केवल बच्चों के देखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड यानी पीडियाट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं। ठीक, अब ये केवल और केवल बच्चों का हॉस्पिटल होता है जिसे हम पीडियाट्रिक बोलते हैं। अब तो कोर्स भी यानी है जो डॉक्टर स्पेशल तरह के केवल बच्चों को केयर करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए इनका कोर्स होता है। ठीक, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद द चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है, पीडियाट्रिक एक तरह का ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट और उनका केयर विथ डिजीज टू ऑफ द चाइल्डहुड। मतलब क्या होता है, उन्हें बचपन में जो डिजीज होते उन सब के केयर या ट्रीटमेंट करना, ये क्या कहलाता है, पीडियाट्रिक कहलाता है। ये तुम्हारा क्या होता है, चाइल्ड हेल्थ। मतलब चाइल्ड हेल्थ किसे बोलते हैं, बचपन में मान लेते हैं उसे कोई डेवलपमेंट में परेशानी हो या केयर में कोई परेशानी हो या कोई उसे डिजीज हो गया हो बचपन में, उन्हीं के ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं, जिसे हम चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत रखते हैं। देखिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ को क्या बोलते हैं, मैटरनल मतलब मदर के लिए यूज किया जाता है, तो इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, MCH। यानी कब स्टेबलाइज किया गया था, 1976 अकॉर्डिंग टू WHO एक संस्था बनाई गई थी जिसे हम MCH बोलते हैं, एक संस्था बनाई गई जिसे हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ बोलते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, MCH, जो क्या होता 1976 में स्टेबलाइज की गई थी। इनमें केवल जो भी मदर यदि प्रेग्नेंट है तो उनका केयर और उसके बीच यानी पेट में जो बच्चा है तो एक यानी समय समय से उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना, सुटेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ये संस्था का टोटल और टोटल यही काम होता है। ठीक, ये कब स्टेबलाइज की गई थी, 1976 में। ठीक, तो ये हमने देखा। अब आते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव आप मतलब इनका लक्ष्य क्या है, मतलब जो यानी MCH का लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले क्या क्या लक्ष्य है उसे हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहला बड़ा लक्ष्य क्या है, टू रिड्यूस फीटल तथा इन्फेंट डेथ। मतलब क्या होता, हमें कम से कम जो बच्चे मर रहे हैं जैसे आफ्टर बर्थ कुछ ही दिन के बाद मर जाते हैं या बच्चे जो जन्म लेते हैं कुपोषण के कारण से मर जाते हैं, उन्हीं को क्या कर देना, हमें रिड्यूज कराना, इसका उद्देश्य ये है। मतलब कोई भी यदि प्रेग्नेंट यानी कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसे क्या कर देना, टेबल मेडिसिन प्रोवाइड करना, प्रॉपर अमाउंट में आयरन तथा कैल्शियम की डिफिशियंसी यदि हुई हो तो उसे प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम प्रोवाइड कराना, आयरन प्रोवाइड कराना, प्रोटीन प्रोवाइड कराना, क्योंकि अच्छे से बेबी डेवलप कर सके। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट कॉम्युनिके यानी कॉम्युनिकेबल नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। मतलब उसे क्या कर देना, जो भी इनका है उसे प्रिवेंट करना, मतलब जो मदर ऐसे एरिया में रह रही है तो उसे कोई डिजीज ना हो। तो डिजीज हमने पढ़ा दो तरह का होता है, एक कॉम्युनिकेबल एक नॉन कॉम्युनिकेबल। कुछ डिजीज ऐसे होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर चली आती हैं। ठीक, कुछ डिजीज ऐसे होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, तो उन सब के बारे में हमें उन्हें क्या कर देना, जानकारी देना और उस यानी डिजीज को प्रिवेंट करना है। ठीक, जैसे हमें मान लेते कुछ यानी जो मदर को कोई एक डिजीज है और हमें जानते हैं कि मतलब ये चाइल्ड में फैलने वाली है, तो अब चाइल्ड में फैलने वाली तो चाइल्ड को हम क्या करें, यदि आफ्टर बर्थ उसे दूर रखें, क्योंकि वो चाइल्ड उससे जो बीमारी यानी मदर को है उसमें यानी चाइल्ड में न चला जाए। तो यानी कोई कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसे प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या आते हैं,
टू एडुकेट द मदर टू इम्प्रूव द हेल्थ इन हर इन चाइल्ड। कहने का मतलब क्या करना, हम औरत जो है, जो मदर है, उन्हें क्या करना, एजुकेट करना है हेल्थ के प्रति। मतलब आप यदि पेट में बच्चा है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो अपना जो हेल्थ है उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कराइए। अच्छा सा फ्रूट, अच्छा सा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी और सूटेबल मेडिसिन का यूज करिए, क्योंकि आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो इम्प्रूव करना हेल्थ को भी, इम्प्रूव करना खुद का भी और बच्चे का भी। ठीक, यदि बच्चा पेट में है तो उसका भी केयर करना है, यदि बाहर हो चुका है तो उसका भी अच्छे से केयर करना। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं किस पे, टू प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। मतलब जो चाइल्ड हुआ हो तो उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक, क्योंकि उसे समय समय से क्या चाहिए, दूध चाहिए। ठीक, और समय समय से उसे क्या चाहिए, जैसे वो बीमार पड़ गया तो उसे मेडिसिन चाहिए। और मान लेते हैं ऐसे एरिया में रहे पर जहाँ पर यानी मॉस्किटो और फ्लाई वगैरह ज़्यादा हैं, तो हमें नेट का प्रयोग करना चाहिए, जाली का प्रयोग करिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, जिससे बच्चा कम से कम उनके कॉन्टैक्ट में आए और बीमार न पड़े। तो उन्हें क्या कर देना है, कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अब इंजेक्शन देखिए, और समय समय से उन्हें बताना कि ये टीका लगता है तो इतने समय पे, एक महीने पे लगता है, दो महीने पे ये इंजेक्शन लगवाइए, डेढ़ दो महीने पे ये इंजेक्शन लगवाइए। मतलब 5 साल तक उनका इंजेक्शन का कोर्स होता है, उसे एक भी न छोड़े। तो उन सब डिजीजों से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड यानी क्या होता है, सुटेबल न्यूट्रिशन डाइट यानी टू चिल्ड्रेन एंड मदर। मान लेते हैं यदि प्रेग्नेंट औरत है या कोई बेबी ग्रो यानी डिलीवर कर दी था, उन्हें क्या सुटेबल मात्रा में यानी बैलेंस डाइट, एक नाम सुने होंगे, तो उन्हें सुटेबल मात्रा में बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराना, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे मदर हो। यदि प्रॉपर अमाउंट में मतलब सुटेबल कंडीशन में सब कुछ मिल रहा है तो उन्हें क्या कोई भी डिजीज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप सुने होंगे प्रोटीन डिफिशियंसी से 2 डिजीज होता है, एक क्वास्कर होता है, एक मेरास्मस होता। तो उनका ये डिजीज होता किससे होता, क्योंकि वो बचपन में प्रोटीन डिफिशियंसी उनकी डिजीज हो गई, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे डिजीज हैं, तो उन्हें सुटेबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिसमें टोटल अधिक यानी बहुत सारे यानी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब निश्रा क्या लिखा, टू मॉनिटर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मतलब कम से कम 5 से 10 साल तक उसे ग्रोथ फेज पे यदि बच्चा रहता तो उसे हम प्रॉपर क्या कर देना है, मॉनिटर करना है। ठीक, इसके शरीर के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, यानी जैसे ये खेल कूद रहा है तो मतलब एनर्जी का ज़्यादा ज़्यादा लॉस कर रहा है, तो उसे हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन दें, जैसे प्रोटीन कहें, दाल बेटा खाओ, अदर सबस्टेंट भी तुम खाते रहो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, क्या इतना सारा आपका MCH के अंतर्गत आता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हमने देखा, अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं किस पे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब ये टॉपिक आपको लिखना ही लिखना, चाहे फैमिली प्लानिंग रहे या कोई डिजीज वगैरह कुछ भी रहे, आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट उसके बारे में लिखना पड़ेगा जो आप कोर्स कर रहे हैं। तो मतलब इनमें, मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल, वही आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला दे रखा, अवेयर द मदर इन सप्लाई यानी विटामिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इंक्लूड ऑफ द, जैसे हमारा क्या उद्देश्य क्या है, जैसे गाँव में सुने होंगे तो यदि कोई मदर है, यदि प्रेग्नेंट है या कोई बेबी डिलीवर कर रखी है, ठीक, तो उन्हें क्या करना, सुटेबल मात्रा में फोलिक एसिड प्रोवाइड करना है, सुटेबल अमाउंट में कैल्शियम प्रोवाइड करना है, प्रोटीन प्रोवाइड करना है, आयरन करना है। ठीक, तो उनका भी जाँच वगैरह होता, ब्लड जाँच की मतलब प्रोटीन डिफिशियंसी है, क्योंकि यदि पेट में उसके बच्चा, मतलब यदि औरत है, प्रेग्नेंट है तो उसके क्या कर सकते हैं, ये सब मेडिसिन, क्योंकि बेबी ग्रोथ हो रहा था, ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और कैल्शियम और फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। तो ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट है उन्हें क्या कर देना, प्रेग्नेंट औरत को ये सुटेबल मात्रा में उपलब्ध कराना उनका मेन उद्देश्य है। ठीक, अब दूसरा क्या कर देना, एवॉइड कंज्यूम द एल्कोहल ए निकोटीन कैफीन सबस्टेन। मान लेते हैं जिस औरत को यदि प्रेगनेंसी है तो उन्हें एल्कोहल अवॉइड करना है कि नहीं, मतलब एल्कोहल वो पिए यानी एल्कोहल नहीं पिलाना है। ठीक, निकोटीन हो गया, निकोटीन सबस्टेंट, ये सब क्या होते हैं, नशीली सबस्टेंट होते हैं। कैफीन, जो आप कैफीन जैसे
कॉफी हो गया, चाय हो गया, उसमें भी कैफीन पाता, उनका मात्रा का सेवन कम से कम उस औरत को करना चाहिए। चाय भी उन्हें प्रॉपर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें कैफीन है, तो आपके चाइल्ड आपके अंदर पल रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो सब हमें उन्हें बताना है, अवॉइड कराना है कि ये सब आप यूज मत करिए। दूसरा क्या नेक्स्ट पॉइंट पे, ये देखो, रिकमेंड द ड्रग्स थेरेपी डोजे तथा ड्यूरेशन ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब उन्हें समझाना है कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपका मेडिसिन चल रहा तो उसे प्रॉपर अमाउंट में समय टू समय मतलब टाइम टू टाइम आप मेडिसिन को इंटेक करिए, और जो भी आपके कैल्शियम डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी, तो प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम ले लीजिए या कैल्शियम प्रोडक्ट आप खा सकते हैं। तो उन्हें क्या कर देना, ये थेरेपी डोजेज वगैरह के बारे में सब चीज बताना है, ठीक। और क्या लिखा है, अब यहां से लिखा है प्रोवाइड रिक्वायर स्टेल यानी स्टराइल मेडिसिन डिवाइस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी। मान लेते उनका डिलीवरी हो रहा है या ऑपरेशन के द्वारा या नॉर्मल डिलीवरी, तो जो भी यूज चीज कर रहे हैं तो स्टराइल होना चाहिए, मतलब कोई भी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टराइल बोलते हैं, मतलब ऐसा एरिया जहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो उस एरिया को स्टराइल बोलते हैं, ठीक। तो वो आपका ऐसा मेडिसिन जैसे उन्हें हम सीजर एरिया जैसे टांका चला रहे हैं मान लिया ऑपरेशन के दौरान हुआ, तो आपका पूरा स्टराइल होना चाहिए, मोस्टली वो तो पैक ही होता है, ठीक। प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मतलब कोई भी यदि प्रोडक्ट यदि वो खा रही हैं या यूज कर रही हैं मेडिसिन, वो क्या होना चाहिए, एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक। अब लिखा क्या है, फार्मासिस्ट सप्लाई द इफिशियंट ट्रीटमेंट टू द चिल्ड्रेन और ड्रग्स थेरेपी जैसे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जिंक थेरेपी। मान लेते किसी प्रेग्नेंट औरत है, उसे क्या कर देना है, पानी की कमी हो रही, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ORS का घोल सुने होंगे, ORS का घोल सुने होंगे, तो वही क्या जैसे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का नाम इसी का देखिए फुल नेम है, ठीक है, रिहाइड्रेशन साल्ट का यूज करना है जिससे उन्हें पानी की कमी ना हो, प्रॉपर अमाउंट में उन्हें मिनरल वगैरह मिल जाए। जिंक थेरेपी, जिंक मतलब क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें जिंक और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हो, तो ये सब आप वहां से ले सकते हैं। आप बहुत सारा लिख सकते हैं कि उन्हें प्रोवाइड कराना, एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड कराना है, ठीक। एम्बुलेंस की सुविधा यदि मान लेते बेबी घर पे डिलीवर होगा तो बहुत सारे चीजें डिजीज हो सकती है, तो एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना समय टू समय, ठीक। और क्या केयर में करना है, ठीक, समय टू समय टीका लगवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये सब आप बहुत सारा इसमें आप रोल ऑफ फार्मासिस्ट आप MCH में यानी MCH में लिख सकते हैं। तो ये टोटल और टोटल था हमारा यानी रोल ऑफ फार्मासिस्ट MCH यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।